कि जिस पे हर वक्त सनीचर सवार होता है, जिस पे हर वक्त सनीचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशुका से प्यार होता है। जिस पे हर वक्त सनीचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशुका से प्यार होता है। मिले जब कई दफे जूते, तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। बहुत शुक्रिया, बस धीरे धीरे बढ़ते जाइए। दरअसल मोहब्बत में अक्सर लड़कियां कहती है, मैं पापा की परी हूँ। हाँ, मेरी वाली भी यही कहा करती थी। मैंने कहा तुम सिर्फ जबा से बोलो नहीं, सामने आओ। ऐ जाने मन, मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ। क्या पापा की परी हूँ? मैंने कहा तू बहुत बड़ी, मैं कृष्ण पक्ष हूँ। मैं लड़कों के सम्मान में मैंने ये चार पंक्तियां लिखी। वो बार बार कहती थी मैं पापा की परी हूँ। मैंने कहा ये स्वाभिमान का प्रश्न है, तुम पापा की परी हो तो हम भी कुछ हैं, कम से कम आप लोगों का समर्थन चाहिए। मैंने कहा कि तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूँ, तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूँ। वो अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूँ। अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं प्रणाम करता हूँ। मैडम आप ताली न बजाइए, ऐसे लग रहे जैसे आखिरी रोटी तवे पे डाल रही हूँ। सुनिएगा बस, मैं छोटी सी कविता आप तक पहुंचाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है भाई साहब। एक नेता ने, देखिए ये थोड़ा सा मैं संजीदा भी कर रहा हूँ, लेकिन हंसाते हुए संजीदा कर रहा हूँ और बात अच्छी लगे। मैं जानता हूँ आप कविता के पार के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन छोटी सी कविता में ऐसी बात पहुंचाऊंगा जो आप तक पहुंच जाएगी और आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंच जाएगा। सुनिएगा दादा, एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, भैचो भैचो भैचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, भैचो भैचो भैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। दो चार तालियां बजी, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटे, लोकतंत्र के पवित्र सरिता को निर्मल बहने दे। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दे, आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते मैं, चूंकि समय कम लेना है, इसलिए मैं दो तीन मुक्तक की इजाजत चाहता हूँ माँ पर सुना करके मैं बैठना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर अपनी माशूक से प्रेम किया जाए तो हम हिंदुस्तानी प्रेम इस तरह से करते हैं कि प्रेम को भी गर्व होता है हमारा प्रेम देखकर। हम इतनी इस तरह से नहीं है कि किसी का हाथ थामे तो उसे रास्ते में छोड़ दे, ना भाई साहब। और इस तरह से भी नहीं है कि किसी का मान मर्दन करके तब उससे प्रेम का राग अलापे कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने प्रेम पे चार पंक्तियां लिखी और मैं जानता हूं ये जितने नौजवान लोग हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि आप नौजवान है तभी प्रेम करेंगे। प्रेम उम्र का मोहताज नहीं होता, प्रेम करने वाले लोग बैठे हैं। इसलिए मैं प्रेम पे चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं जैसा प्रेम मैं करता हूं। अगर आपका भी प्रेम वैसा हो तो आपके तालियां मांगता हूं। पढ़ता हूं, खता सरगोशिया मिलने की तड़पन देख लेता हूं। खता निगाहे खुल्द में ओपनाइज, खता सरगोशिया मिलने की तड़पन देख लेता हूँ। भाई साहब बात अगर पहुंचे आप तक और आपको लगे कि आपकी मोहब्बत भी ऐसी है तो आपके हाथ खुलने चाहिए। खता सरगोशिया मिलने की तड़पन देख लेता हूँ, निगाहे खुल्द में खुद का ही दर्पण देख लेता हूँ। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूँ।
जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण हूं, बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत प्रणाम करता हूं आपके प्रेम को, उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं। मित्रों, मैंने माँ पे कुछ लिखने की कोशिश की है, मैं जानता हूँ कि ये हमारे देश की परंपरा है, हम कहीं बाहर निकलते हैं घर से तो माँ के पांव छू कर निकलते हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि माँ आपको आशीर्वाद देती हो साथ में दो चार रुपए आपके हाथ में नल रख देती हो। आज भी मैं जब घर से निकला तो अम्मा के हाथ में जो भी लगा उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया आशीर्वाद स्वरूप, और उसको मैं लेकर के हमेशा चलता हूँ जब भी जाता हूँ, और ये परंपरा है, इस परंपरा का निर्वहन आप भी करते होंगे। मैं अपनी माँ को अम्मा कह के बुलाता हूँ, चार पंक्तियां सुनाता हूँ, आपकी माँ के लिए भी, अपनी माँ के लिए भी, सबकी माँ के लिए, यह जो नारी शक्तियां बैठी हुई है उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। सुनेगा कि उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है, मुझे मायूस देखे अपनी सुदबुद भूल जाती है, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी, भाई साहब सुनिएगा, ये कवि सम्मेलन के मंच की, बोलो भैया बैठिए, ये कवि सम्मेलन के मंच की परंपरा नहीं है, क्योंकि ये ऑर्केस्ट्रा में होता है कि हम पैसे लुटाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ईश्वर आपके धन संपत्ति को और बढ़ाए। आप में से कोई अगर ऐसा चाह रहा हो कि हम उठ करके आके आशीर्वाद स्वरूप इन्हें पैसे दूं, तो कृपा करके न करिएगा, बस वहीं से आशीर्वाद दीजिएगा। हमें साहित्य के मंच को चलाना है, हमें इसको दूसरे वे में नहीं ले जाना है, मैं आपके भावनाओं का सम्मान करता हूँ। सुनिएगा, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है, मुझे मायूस देखे अपनी सुदबुद भूल जाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूं, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से, बहुत प्रणाम करता हूं, मैं डर रहा था कि आप इस कविता का मान रखेंगे कि नहीं, लेकिन आपने तालियां बजाई, आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। प्रणाम करता हूं, माँ क्या है, 9 महीने पेट में रखती है सहलाती है माँ, माँ कौन है, 9 महीने पेट में रखती है सहलाती है माँ, दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ, 9 महीने पेट में रखती है सहलाती है माँ, दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ, इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी, चोट कर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ, इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी, चोट कर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ, शब्द जब निकले जबा से याद करना क्या कहा, बड़े भैया रवि जी, शब्द जब निकले जबा से याद करना क्या कहा, राम या रहमान, ईसा या कलंदर ना कहा, इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा, जरा बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ का, वाह इतना अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा, जरा बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। ये जो बड़े लोग बैठे हैं इधर पूरे इलाके में, इस पूरे सदन में, मैं ये मान के ये पंक्तियां उनके हवाले करता हूँ कि आप हगीज पहनकर बड़ी होने वाली पीढ़ियों में से नहीं है, इसलिए ये बात आप तक पहुंचाता हूँ। बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा, माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, थोड़ा तालियों का घनत्व और बढ़ाइएगा मित्रों, माँ से ही जीवन मिला, माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही और माँ से ही रोटी मिली, माँ से ही जीवन मिला, माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही, बात सच्ची लगे तो चौथी पंक्ति पे आशीर्वाद चाहिए, माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही और माँ से ही रोटी मिली, घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली, घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन।
घूमते नंगे बदन गर मां नहीं ढकती है तन। मां ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली, मां ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है मां, मां ही प्रथम पाठशाला है दोस्तों। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए। वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। दोस्तों एक बात बताऊं, हम हमारे पिता ने हमसे कितना प्रेम किया है ये बात हम तब तक नहीं जान पाते जब तक हम खुद बाप नहीं बन जाते। दिल कहां काबू में रहता है जवा होने के बाद। इश्क परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद। एक पिता का प्यार क्या है उसके बच्चों के लिए, अब समझ आया है मुझको बागबा होने के बाद। दोस्तों हम इसी तरह से तब तक नहीं जान पाते हमारी माँ की मोहब्बत जब तक हम अपनी आंखों से अपनी पत्नी को अपने बच्चों की परवरिश करता हुआ ना देख ले। तब हमें लगता है हमारी माँ ने हमसे कितना स्नेह किया है। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, प्रणाम करता हूँ, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। जानते हैं अभी 2-3 साल पहले की घटना है, यही रविंद्रपुरी में एक घर से एक फ्लैट से बदबू आ रही थी। 2-4 दिन के बाद उस मोहल्ले के लोगों ने उस घर का दरवाजा तोड़ा, एक लाश पड़ी हुई थी, एक बुढ़िया की लाश जो आधा सड़ चुकी थी। ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे नहीं थे, उसके 2 बच्चे थे, दोनों विदेश में सेटल थे, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। ऐसे बच्चे होने से अच्छा वो बांझ रहती, कम से कम मोहल्ले वाले जानते कि इसका कोई नहीं तो समय पर उसका दाह संस्कार तो कर पाते। लेकिन ये स्थिति है साहब, ये स्थिति है। माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। एक सवाल करना चाहता हूँ, माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़ कर तड़का दिया। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़ कर तड़का दिया। फिर साहब हम मदर्स डे मनाते हैं, धिक्कार है हम पर, इन गधों को कौन बताए। मदर्स डे पश्चिम की सभ्यता है, वहाँ शादियां महीने भर हफ्ते भर के लिए टिकती है। अब कोई बच्चा हो जाए तो वो बच्चा एक दिन अपनी ओरिजिनल माँ के साथ बिता सके, इसलिए वो मदर्स डे मनाते हैं। डंके की चोट पर कहता हूँ, बात सही लगे तो आशीर्वाद देना, हमारे हिंदुस्तान में हर दिन माँ के लिए समर्पित साहब, कोई एक दिन मदर्स डे नहीं हमारे यहाँ। ये उन बेवकूफों तक पहुँचाइए बात, जो लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हैं फेसबुक पर मदर्स डे मनाते हैं। मैं उनके लिए ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि अपने उपकारों की गठरी आप ही धोती मिली। ये जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर अब भी आपके हाथ खामोश रहे तो धिक्कार एक आपके ऊपर भी जाएगा। पढ़ता हूँ कि अपने उपकारों की गठरी आप ही धोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को वो धोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोटी मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोटी मिली। चलते चलते अंतिम पंक्तियां दे करके आपसे विदा लेता हूँ कि है नौका संस्कारों का, है नौका संस्कारों का, ये उल्टा मोड़ मत देना। कभी मझधार में पतवार अपने छोड़ मत देना। बुढ़ापे में निभाओ साथ जिनका ये भरोसा है, उन्हीं माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत देना। बहुत